फ्रेश, कमरे के ऊपर ध्यान मत देना, बहुत चीजें बिखरी पड़ी है। तो रात के 12 बजे उठ के फ्रेश होना, फ्रेश लगना अपने आप में एक अचीवमेंट है। चलते हैं अब वॉच पे, शिप है पोर्ट में, तो हमने इसलिए पहना है बॉयलर सूट, चलेंगे CCR में, वहाँ पे लेंगे हैंडओवर। हैंडओवर लेने के बाद वीडियो कंटिन्यू करते हुए आपको ये बताएंगे कि आखिर में हम शिप पे करते क्या एज ए ड्यूटी ऑफिसर। वैसे मैं शॉर्ट में बता चुका हूँ और ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन था कि शिप में हम करते क्या हैं, मैं क्या करता हूँ स्पेशली। तो एज अ ड्यूटी ऑफिसर, एज अ सेकंड ऑफिसर इन माय केस, मैं शिप पे क्या करता हूँ, अपनी कंप्लीट ड्यूटीज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। बने रही वीडियो में, इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और शॉर्ट वीडियो होने वाला है। चले हैंडओवर ले लें पहले। हेलो मिस्टर स्वागत। अरे सर ऐसे ही रहे सर। प्रशांत पूछ रहा है ऐसे रहे कैसे रहे, बहुत टेंशन में है। जिंदगी में इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। प्रशांत को हमने समझाया, प्रशांत नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं। वैसे 8 से 12 का वॉच है इसका, बड़ा सुकून का नींद वाला वॉच है, पर हमें ना भैया बचपन से ना, मतलब शिपिंग के बचपन से, यानी कि कह रहे शिप से, 12 से 4 का वॉच बड़ा पसंद था और फाइनली हम 12 से 4 के वॉच में बहुत बहुत खुश हैं। 4 बजे जाकर सोने का जो आनंद है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं है। हैंडओवर ले ले फिर बातें करते हैं। तो हमें ब्लॉग में देखे कुछ लोगों की ये गलतफहमी तो पक्का सुलझ गई होगी, भैया जब शिप पोर्ट में होता है तो भी काम होता है। ये मैं बार बार बताता हूँ, पिकनिक बनाने आ रहे हैं भैया, काम करने आ रहा हूँ, तो काम पोर्ट में भी है। ऑफिसर में ज्वाइन कर रहे हो, संडे हो या मंडे, भूल जाओ अंडे, काम डेली करना है तुमको, ठीक है। वैसे मंगाया हुआ था भाई लोगों ने पिज़्ज़ा, इतना बड़ा पिज़्ज़ा था कि मतलब 3 लोग मिलकर खाओगे तब खत्म होगा। ये जिंदगी का कंसेप्ट ही ला डाला, बॉक्स भी स्क्वायर, पिज़्ज़ा भी स्क्वायर और स्लाइसेज भी स्क्वायर। अब चूंकि हम CCR में हैं ही, तो आपको यहाँ से पहले हम डेक का टूर दिला दें और ये बता दें कि जब शिप पोर्ट में होता है, जो कि अभी है, तो क्या काम चल रहा होता है। हालांकि आज तो नहीं चल रहा है, बट फिर भी क्या काम चल रहा होता है। और इसके बाद हम चलेंगे अपने मेन काम की ओर, यानी कि जो मोस्टली हम कर रहे होते हैं जब शिप चल रहा होता है। तो चलिए आपको डेक पे घूमते घूमते बताते हैं कि एक्चुअली हम कर क्या रहते हैं पोर्ट में। और ये आ गए हैं हम डेक के ऊपर, यानी कि पोर्ट का जो सारा का सारा काम है वो है ही यहीं का। जैसे कि ये हो गया अभी हमारा शिप, और ये हो गया पोर्ट। अब हम एक पोर्ट से कार्गोस लेकर आए थे और यहाँ पे हमने अपने टैंक से, जो कि डेक के अंदर पड़े हुए और आपको नहीं दिख रहे हैं, इन टैंक से हमने कार्गोस शोर वाले टैंक्स में दे दिए। अब सारे कार्गोस यहाँ नहीं दिए, तो कुछ कार्गोस हम अगले पोर्ट में लेके जाएंगे कल सुबह सेल करके, और वापस वो कार्गोस उस पोर्ट में डिस्चार्ज करेंगे, फिर किसी पोर्ट में लोड करेंगे, फिर किसी पोर्ट में डिस्चार्ज करेंगे। ये जो इतने सारे आपको वाल्स दिख रहे हैं ना, मैनिफोल्ड लाइंस, यहाँ से कनेक्ट होता है और यहाँ से ये कनेक्ट होकर जाता है शोर के टैंक्स में। और जो कि मैं CCR से बताता हूँ कि कौन सा वाल्व खोलना है, क्या ऑपरेट करना है, सारा का सारा ऑपरेशन हमारे पाटिल साहब कर रहे होते हैं डेक पे, कैमरामैन पाटिल साहब, जो कि इस वक्त कैमरे के पीछे। चलिए आपको पाटिल साहब से मिलाते हैं। पाटिल साहब ने बहुत सही जुगाड़ लगाया, हेलमेट के ऊपर टॉर्च लगा और जिससे मेरे फेस पे थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है इस वक्त, तो कैमरामैन पाटिल साहब के लिए हैट्स ऑफ। बेसिकली ये हो गया पोर्ट का ऑपरेशन। अब जैसे ही शिप पोर्ट में आता है, शिप को बांधने के लिए इन मोटी मोटी रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है और किनारे से बांध दिया जाता है। आप जो फोटोज में देखते हो, वो फोटोज में मोस्टली आप देखते हो या तो कंटेनर शिप या VLCC या बल्क कैरियर्स, पर ये केमिकल टैंकर पे इतने लाइनअप, इतने पाइपलाइंस, इतने कंपोनेंट्स होते हैं कि आप कंफ्यूज रहते हो। शुरू में तो मैं खुद कंफ्यूज था कि भैया डेक पे चलना कहाँ है और डेक पे काम कहाँ करना है, पर धीरे धीरे इवेंचुअली विद टाइम आप सेटल हो जाते हो। यहाँ से चलते हैं अपने मेन काम की तरफ, यानी कि जब शिप चल रहा होता है उस समय मैं क्या कर रहा होता, यानी कि नॉर्मल डे, ये हर दिन नहीं होता है। पोर्ट आप कम करते हो, सेलिंग आप ज़्यादा करते हो। सो लेट्स रिवाइंड। और ये यूनिफॉर्म हम पहनते हैं जब शिप होता है सेलिंग में, और तब मैं होता हूं यहां, यानी कि ब्रिज के ऊपर, यानी कि जहां से शिप को चलाया जाता है। अब यहां पे मेरा क्या काम है, वैसे हर ड्यूटी ऑफिसर का अपना अपना 8 घंटे का वॉच होता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। यानी कि 4 घंटे जो 4 से 8 सुबह करेगा, वो 4 घंटे शाम के 4 से 8 भी करेगा, और 8 से 12 करेगा वो शाम के 8 से 12 करेगा। जैसे कि मैं रात से 12 से 4 कर रहा हूँ, तो अगले दिन दोपहर 12 से 4 मैं वॉच करूँगा। लेकिन इसके अलावा सेकंड ऑफिसर का, यानी कि मेरे रैंक का स्पेसिफिक जो काम है, जो कि ड्यूटी असाइन करी हुई है, वो है ब्रिज के ऊपर सारी की सारी, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल्स एंड स्टेशनरी, और जो कि मैं अपने 2 घंटे वाले ओवर टाइम में करता हूँ, यानी कि शाम के 4 से 6, जैसा कि मैंने आपको हॉस्पिटल दिखाया भी था एक वीडियो में। अब वैसे तो मैं जब रात के 12 बजे ब्रिज पे आता हूँ, तो होता है संपूर्ण अंधेरा ऐसा,
लेकिन जो कि हम पोर्ट में है तो इस वक्त है लाइट और इस वक्त मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ। अब जहाज को पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, जैसे कि कल सुबह हमें यहाँ से निकल के इटली के ही दूसरे पोर्ट जेनोवा में जाना है। तो एक जगह से दूसरे जाने के लिए पूरा समुंदर जो खाली पड़ा है वो किसी के का तो है नहीं, तो हमें जो है उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा असाइन ड्यूटी है, यानी कि सेकंड ऑफिसर को शिप के लिए रूट बनाना होता है। अब जैसे कि कल सुबह हमें इटली के एक पोर्ट यानी कि लिवर्नो से निकल के इटली के ही दूसरे पोर्ट यानी कि जेनोवा में जाना है। तो ये जो आपको लाइन लाइन दिख रही है ना, ये रास्ता बनाना मेरा काम है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का। अब इसको बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें लगती हैं। आप इसके ऊपर इतने सारे मार्किंग्स देख रहे हो, तो कब किसको बुलाना है, किसको रिपोर्ट करना है। अब सबका अलग अलग टेरिटरी है भैया, सी में भी टेरिटरी बटा हुआ है, तो सबको उनकी उनकी रिपोर्टिंग करनी है, सबको टाइम पर बताना है, और ये सारी चीज़ें ठीक है कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती है। अब पहले जिस रास्ते हम जा रहे हैं वहाँ का चार्ट्स मंगाना पड़ता है। अब उन चार्ट्स को मंगाने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम चार्ट्स मंगाते हैं। कहाँ पे जहाज को रोकना पड़ गया तो रोकना है, किनको रिपोर्ट करना है और क्या चीज़ें करनी है, वो एक ये पब्लिकेशन है जिसको यूज करके मंगाते हैं। और ऐसी ही ढेर सारी पब्लिकेशंस इस शेल्फ के अंदर पड़ी है। अब इन चीज़ों के अलावा आपके जैसे ही हमारे पास और भी ढेर सारे पेपर वर्क वाले काम भी होते हैं। जैसे आप ऑफिस में बैठे पेपर वर्क से परेशान हो रहे होते ना, हम भी कभी कभी इन ढेर सारे पेपर वर्क से परेशान हो रहे होते हैं, पर क्या कर सकते हैं, पेपर भी मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि काम करना। वैसे इतनी बातें मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल गया कि ब्रिज पर जब भी मैं आता हूँ, मेरे काफ़ी वीडियोज़ में आपने देखे होंगे शुरू से आज तक, मैं जब भी वॉच पर आता हूँ पहली चीज़ करता हूँ मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। और सेकेंड ऑफिसर बनने के बाद मैंने एक सुपर पावर डेवलप किया है, I can drink black coffee without sugar. So guys, I hope you enjoyed watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपके काम के इसमें कुछ कंटेंट मिले हैं, आपको वीडियो समझ आई है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करते रहें। इससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।